हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं तुम लोग को बता देता हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों का आने वाला है कमेंट कि ये क्या हुआ। तो बेसिकली दो दिन पहले अचानक से मुझे, मैं इस हाथ से तुम लोग को बताता हूँ, यहाँ पे अचानक से दर्द हुआ। मतलब मैं इसको ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा था, और उससे 3 से 4 दिन पहले मैं बेसिकली फुटबॉल खेलते हुए गिरा था, तो मेरा इसी पे वजन पड़ा था। तो उस समय तो हल्का दर्द हो रहा था, लेकिन मेरे को लगा था यार गिरा हूं इसीलिए, लेकिन वो सही नहीं हुआ। तो मैं बेसिकली गया डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला है मुझे 2 हफ्ते ये पहनने के लिए। इसके पीछे का स्टोरी मैंने तुम लोग को बता दिया, चलते इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। तो अभी मुझे बहुत सारे डीएम आ रहे हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, उसके बाद बहुत लोग फेसबुक पे भी मैसेज कर रहे हैं कि भैया अभी हमारा एग्जाम चल रहा है, एग्जाम से रिलेटेड कुछ उन लोग का डाउट है। मैंने 1-2 का तो रिप्लाई दिया, लेकिन अभी भी 10 से 20 मैसेज बचे हुए थे, और जिसका एक एक करके रिप्लाई देना उतना मेरे पास अभी टाइम नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा था एग्जाम से। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाऊं, चलते और तुम लोग का डाउट एक एक करके मैं क्लियर करता हूं। तो तुम लोग को पता है कि फेज 1 एग्जाम हो चुका है अभी तक, और फेज 2 एग्जाम मेरे ख्याल से अप्रैल में है, जो 14, 15, 16 मैंने डेट देखा था, लेकिन मुझे अच्छे से अभी वो याद नहीं है, बस इतना पता है वो अप्रैल में है। तो देखो, बहुत लोगों का ये डाउट चल रहा है कि भैया मैंने फेज 1 दे दिया है, उसमें मुझे ब्रांच मिला, मैंने 75,000 पे कर दिया, तो क्या मुझे सेकेंड फेज भी देना चाहिए? तो देखो, तुमने फेज 1 का एग्जाम दिया और तुम्हें जो ब्रांच चाहिए था तुम्हें वो मिल गया, तो मुझे नहीं लगता यार कोई फायदा होगा। लेकिन ऐसा हुआ कि तुमने फेज 1 दिया, तुम्हारा अच्छे से गया नहीं, तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया था, तो तुम्हारा रैंक कम आया, और तुम्हें जो ब्रांच तुम्हें चाहिए था वो मिला नहीं तुम्हें। तो तुम क्या कर सकते, तुम फिर से दे सकते हो। जैसे अगर तुम्हें जो ब्रांच मिल भी गया है और तुम्हारा मन है तो तुम दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां क्योंकि उनके वेबसाइट पर साफ लिखा हुआ कि अगर तुमने फेज 1 और फेज 2 के लिए रजिस्टर किया था, तुम 3 और 4 आराम से दे सकते हो, तुम्हें फिर से रजिस्टर नहीं करना है, जो तुम्हारा पुराना एप्लीकेशन नंबर है वही एप्लीकेशन नंबर से तुम फिर से एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद लोगों का और क्या डाउट है, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मुझे इतना परसेंटाइल आ रहा है, मुझे कौन सा ब्रांच मिलेगा? तो देखो, ये जो परसेंटाइल का है ये मेरे टाइम पे नहीं था, तो मेरे को उतना आइडिया है नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा जो भी अभी फर्स्ट ईयर में है वो लोग यार नीचे कमेंट में, या जो टेलीग्राम ग्रुप है, बाय द वे मैंने लास्ट ईयर एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, तो वो तुम लोग भी अभी ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तुम वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी, कि तुम लोग को आसानी से वो लिंक मिल जाए, वहां तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो अभी फर्स्ट ईयर में है, और उन्हीं लोग के टाइम से ये परसेंटाइल का स्टार्ट हुआ। मेरे टाइम पे परसेंटाइल नहीं था, मेरे टाइम पे वो लोग सीधे रैंक देते थे जिससे हमें पता चल जाता था, लेकिन ये लास्ट ईयर से इन्होंने परसेंटाइल का सिस्टम लाया है। तो थोड़ा सा बताना यार, थोड़ा सा यार मुश्किल हो गया है। तो तुम लोग वो ग्रुप ज्वाइन करो, जितने भी फर्स्ट ईयर वाले देख रहे हो हेल्प करो इन लोगों। हमारे टाइम पे मैंने और मेरे बहुत सारे दोस्त ने हेल्प किया था, अब टाइम आ गया तुम लोग को हेल्प करना तुम्हारे जूनियर्स का। तीसरा डाउट रहता है लोगों का कि भैया एग्जाम के लिए हम कैसे पढ़े। तो देखो, जहां तक मेरे को याद है, बाय द वे मैंने भी 3 व्लॉग बनाए हैं इस एग्जाम पे, जब मैंने दिया था 2020 में, तो वो 3 व्लॉग का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तुम देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ बताया था। और उसमें मैंने बेसिक यही बताया था कि मैंने कभी भी अलग से नहीं पढ़ा इस एग्जाम के लिए, बेसिकली मैं पढ़ रहा था जेईई मेंस के लिए। उसके बाद ये सारे चल रहे थे, तो मेरे घर वालों ने बोला कि ये फॉर्म भर दो, और मुझे भी था यार कॉलेज अच्छा यार मैं यहाँ का फिल करूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा चांस अपना नहीं लग रहा था मेंस क्वालिफाई करने का, उसका बहुत सारा रीजन है जो मैं नहीं बताऊंगा, छोड़ दो वो सब अलग रखो। बहुत सारे मेरे भी सीनियर है जिन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने बोला कि चलो मैं ये फॉर्म भर देता हूँ, तो मैंने कभी इसके लिए अलग से नहीं पढ़ा, तो जो मैं मेंस के लिए पढ़ते रहता था उसी को मैंने कंटिन्यू किया, और मैंने इसका एग्जाम दिया, उसी हिसाब से मैंने पढ़ा, और मुझे ऑलमोस्ट 2000 के आसपास रैंक आ गया था। तो इसके लिए तुम लोग को अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, तुम अपना मेंस वाला पढ़ाई कंटिन्यू करो, ये एग्जाम भी तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा, मेंस वाला कंटिन्यू करते रहोगे। तो बेसिकली अभी फेज 2 है, अभी तुम्हारा फेज 3 भी होगा, 4 भी होगा, अगर तुम्हारा फेज 1 में अच्छा नहीं आया, तो मार्च ही चल रहा, तो समझो तुमने अच्छे से तुम्हारा तैयारी अभी तक नहीं हो पाया, एग्जाम दे दो। एग्जाम देने में क्या दिक्कत है यार, एग्जाम देने में कभी नहीं डरना चाहिए, जितना भी एग्जाम है सब दो, कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम दे दो, इस पे मत रहो कि यार अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ अगला फेज में दूंगा, नहीं अभी दे दो, एग्जाम से मत डरो,
कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये खराब भी जाएगा, तुम्हारे पास फेज 3 और फेज 4 भी है, और शायद लास्ट टाइम फेज 5 भी हुआ था, तो तुम्हारे पास अभी टाइम है। तुम्हें बस पता चल जाएगा कि कैसे एग्जाम होता है सब कुछ, क्योंकि ऑनलाइन ये सारे चीज होते हैं, तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि कैसे होता है। तो एग्जाम से मत डरो। तो एक दो टिप्स मैं तुम लोग को दे देता हूँ, ये हर कोचिंग में हर टीचर देता है, ये कोई नया चीज नहीं है। जैसे सबसे पहले जो सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे बेस्ट है वो अटेम्प्ट करो। जहां तक मुझे याद है, मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था केमिस्ट्री, फिर मैंने किया था मैथ्स, और लास्ट में मैंने किया था फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स मेरा सबसे कमजोर था। इसमें मैं कुछ छुपाना नहीं चाहूंगा, मैं तुम लोगों को साफ साफ बता देता हूं, मेरा सबसे वीक फिजिक्स था। उसके बाद देखो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, बढ़ जाओ आगे, क्योंकि तुम्हारे पास 120 क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना, 120 होता है या 90 होता है, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, पता नहीं, देखना पड़ेगा, क्योंकि यार 2 साल पहले लिया था, कितना याद रखूंगा, तो पता नहीं 120 या 90 मान के चलो। तो जल्दी से जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा आगे बढ़ जाओ, पीछे मत देखो। यही सब तुमको ध्यान रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम लोग को एग्जाम से नहीं डरना। एग्जाम दो, खराब जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे और एग्जाम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होगा। अगर तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए, तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं भी हूँ, बहुत सारे अभी जो फर्स्ट ईयर में वो भी है, वो सब भी हेल्प करेंगे। तो इसी नोट पे आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस पे अलग अलग टाइप के कंटेंट आते हैं, जैसे कभी कभी मैं हॉरर वीडियोस भी डालता हूँ, हॉरर गेम प्ले हो गया, कभी गेम प्ले वीडियो सिंपल कोई गेम खेलते हुए, कभी व्लॉग मैं भी अपना दिखाता हूँ। बेसिकली अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो मैं भी कुछ व्लॉग बना के तुम लोग को सेकेंड ईयर के बारे में भी कुछ कुछ बताता हूँ। तुम्हें मेरा चैनल और मेरा कॉन्टेंट पसंद आया तब सब्सक्राइब कर दो भाई, क्यों नहीं करोगे, और अगर नहीं पसंद आए तो फिर मैं फोर्स नहीं करूंगा सब्सक्राइब करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पसंद नहीं आता है, मेरे को भी पता है ये बात। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, और अगर आप मेरे चैनल का मेंबरशिप लेते हैं तो आप लोग मेंबर ओनली व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो आप अगर मेंबरशिप आपने खरीदा, आप लोग सीधे कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा, वहां पे एक मेंबर ओनली कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ, जहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इतना ही मैं बोलूंगा मेंबरशिप पे, और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बिना मतलब का पैसा बर्बाद करो मुझे भी नहीं पसंद है, और पता है ये बस बोलने के लिए मैंने बोल दिया, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप सही है, देख लो तुम लोग। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय। इसका देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में भी, फोन से भी, बेसिकली राइट हैंड है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन चला लेंगे, 2 हफ्ता पहनना हो जाएगा। तुम लोग का टाइम बर्बाद कर रहा हूं ना, थोड़ा सा ऐसे मजाक में खत्म करो ठीक। तो उधर से बैठ के मेरा दोस्त बोल रहा है ये वीडियो खत्म करने, तो